अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद वसीम अंसारी एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। देखिए भाई, आज की वीडियो है जो आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि मैं अपने पार्सल जो हमारे कुरियर के मेरे पार्सल जाते हैं खजूर के, वो मैं कैसे पैक करता हूँ। तो देखिए, मेरा ये ऑर्डर है, मैं आपको ऑर्डर दिखाता हूँ अपना। देखिए, ये ऑर्डर है मेरा, ये पूरा बॉक्स में पैक कर रखा है मैंने। बॉक्स में पैक करने का फ़ायदा ये होता है कि आसानी से चले जाता है, क्योंकि अगर मैं वैसे ही बस कोरियर पॉलीथीन जो होती है उसमें पैक करूँगा तो बड़ी दिक्कत रहती है। तो ये मैंने बॉक्स में पैक कर दिया, ये रहा बॉक्स। अभी ये देखिए मेरा बॉक्स है। इसके बाद ये मैं इसको इस पर टेपिंग करके, टेपिंग करने के बाद अब ये देखिए, ये है बबल पिन्नी। ये बबल पिन्नी रैप करता हूँ इसके ऊपर ताकि सेफ पहुँचे, क्योंकि मेरा ये ऑर्डर है आसाम का। आसाम 4-5 दिन में पहुँचेगा तो उसके बाद आसानी से पहुँचे, क्योंकि कोरियर वाले जो क्या करते हैं, फेंकम फाकी करते हैं, तो मेरे पार्सल की तो ऐसी तैसी कर देंगे। नहीं तो ये, तो ये देखिए कोरियर पिन्नी है, बबल पिन्नी जो होती है, आपने देखा होगा अमेजोन या फ्लिपकार्ट से जब आता है सामान तो बबल पिन्नी होती है, वो है। तो ये रैप करते हैं, उसके बाद मैं टेपिंग करता हूँ फिर दोबारा, देन उसके बाद पैक्ड होता है। मैं आपको सारा कुछ दिखाता हूँ प्रोसेस, सो वीडियो में बने रहे लास्ट तक। तो पहले बबल पिन्नी जो है इसके पैक को खोल लेते हैं। ये मार्केट में अवेलेबल होता है, जो यहाँ पे वो सामान मिलता है ना, क्या नाम है, प्लास्टिक की प्लेटें और वो नाश्ते का सामान, तो वहाँ ये अवेलेबल हो जाता है। ये तकरीबन 270 या 250 रुपये का पैक्ड होता है। ये होता है 70 मीटर होता है, ये 70 मीटर तो आराम से माशाल्लाह बहुत टाइम तक खुल जाता है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आती है ना इसको खोलने में आती है। खोलने में क्यों आती है, क्योंकि ये फटती है थोड़ी थोड़ी खोलने में ना। एक बार बता देंगे, अभी ये मैं उतना निकाल लेता हूँ जितना मेरे रैप के अकॉर्डिंग मुझे लगेगा कि हाँ भाई ये इतना निकाल दिया, उसके बाद मैं कट कर लेता हूँ, तो आप वीडियो में बने रहे। ये इतना हो गया, अब इसके बाद इसको हम कट कर लेंगे यहाँ से। ये रही हमारी सीजर। नीचे बैठ के करना पड़ेगा। अभी ये इसका काम तो हो गया, अब मैं इसको पहले रैप करता हूँ टेप से, फिर उसके बाद इसमें रैप करूंगा बबल पिन्नी में, देन उसके बाद दोबारा टेप लगाएंगे, फिर उसके बाद नेम स्लिप लगेगी। तो हम टेप ले लेते हैं। ये हमारी टेप ब्राउन एंड व्हाइट। Thank you.
हो गया, अब इस पे करेंगे टेपिंग बस। लेकिन उससे पहले एक बार वेट करके देख लेना कि इसको ये कितना हुआ है, कि कोरियर में वेट का बड़ा पंगा रहता है। अगर 50-60 ग्राम भी कोरियर में ज्यादा हो गया तो 1 किलो का वेट बढ़ जाता है। लेकिन मुझे इसको रखना है 4 किलो के अंदर, तो हम देखते हैं कितना हो गया वेट। अगर ज्यादा हो गया तो भाई हटाना पड़ेगा हमें। 3 किलो 800 ग्राम, 874 ग्राम, सही है, 4 किलो के अंदर है। अब इस पर दोबारा टिपिंग होगी। अब इस पे हम लगा देंगे नेम स्लिप, जहां जाना है। तो इसी तरीके से मैं अपने जो पार्सल है, मेरे पार्सल एक पैक करता हूँ, तो यही प्रोसेस है। मैंने सोचा कि आपको दिखाऊं वीडियो में कि मैं किस तरीके से पैक करता हूँ, कैसे थोड़ी मेहनत लगती है, मेरी टाइम लगता है देखो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आसानी के साथ जहाँ भी पहुँचाना था वहाँ पहुँच जाता है। तो यही था आपको दिखाना था। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।